हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहां पर बनाने वाले हैं पीटर पैन नेक डिज़ाइन और साथ ही में बैक पर बनाएंगे जिगजैग डिज़ाइन जैसा कि आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम अपने लाइनिंग और फैब्रिक लेंगे और उसको जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कट कर लेंगे। और मैंने प्लेट्स का निशान भी यहाँ पर लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो हमारा फैब्रिक है उसे लाइनिंग को आधा इंच कम लिया है। इन निशानों को लगाने के बाद में फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाएंगे बैक पर। इसके लिए हम कोई भी पेपर यूज़ करेंगे, आप न्यूज़पेपर या कॉपी पेपर या कोई हार्ड पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने हार्ड पेपर लिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें टोटल चौड़ाई इसकी 2 इंच लेनी है और 1 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये निशान आप या तो वी शेप में भी लगा सकते हैं या और ज़्यादा चौड़ाई में, जितना भी करना चाहें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करने के बाद में हमारा ये डिज़ाइन निकल कर आएगा और इसको हम यहाँ पर किसी भी फैब्रिक के लाइनिंग के ऊपर रखकर हम कभी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हार्ड पेपर अगर यूज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा है कि इसको आप रख सकते हैं और जब भी आपको दोबारा इस डिज़ाइन को बनाना हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वाले पेपर को यहाँ पर फ्रीजी पेपर और लाइनिंग को अटैच करके इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पर हमारी लाइनिंग आई हुई है वहाँ पर ही हम इसको अटैच करते हैं और मैंने सेंटर का निशान भी लगा लिया है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर इस वाले डिज़ाइन का भी सेंटर निकाल कर और इसको वहाँ पर अटैच कर लिया है। तो जहाँ पर हमारी लाइनिंग आई हुई है उसी के ऊपर हमें यहाँ पर लगाना है। तो देखिए, इस तरह से लगाते हुए रखेंगे हम इसको और यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि हमारी लाइनिंग के साथ में है या नहीं है ये अटैच। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से करते हुए मैं पहले इस पर एक नीचे की साइड में एक रफ़ सिलाई लगाऊंगी। इस रफ़ सिलाई को लगाने से हमारा फैब्रिक है जो खिसकेगा नहीं। और फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए, हमने जो यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर मशीन चलाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर फुट को उठाते हुए इस तरह से हम यहाँ पर जो निशान है उन्हीं के ऊपर सिलाई लगाते हुए जाएंगे और इस तरह से मैं पूरे निशानों पर सिलाई लगा लूँगी। अब हमारी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल लेंगे कटिंग करके और उसके बाद में हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने कटिंग की है और इसको अब हम यहाँ पर सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई नुकीली चीज़ लेकर हम इसको सीधा कर लेंगे और उसके बाद में देखिए हमारा ये डिज़ाइन निकल कर आता है। और फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर देखिए जो हमारा डिज़ाइन बना है इसके ऊपर हम किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ सिलाई हमारी नहीं होनी चाहिए वरना बहुत भद्दा लगेगा देखने में। तो मैं यहाँ पर सारे डिज़ाइन के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ और इसे कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो हमारा पीछे वाला फैब्रिक है इसी का हम फोल्ड करके रफ सिलाई लगा लेंगे और बाद में तरपाई करेंगे। और अब देखिए, हमारा जो प्रिंसेस कट हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया था उसको हम यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस पर मैंने पहले सिलाई नहीं लगाई थी इसी डिज़ाइन को बनाने के लिए और अब हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा रहे हैं। इस पर भी बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है हमें। ये सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम इसी तरह से जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने बुकरम लिया है और यहाँ पर इस बुकरम की जो हमारी लेंथ है वो हम यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाते हैं और इसकी जो विड्थ है हमारी 5.5 इंच है और 4 इंच का हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेते हैं। 4.5 इंच हम यहाँ पर लेंथ पर निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर बॉक्स को तैयार कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस पर गुलाई देंगे हम। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमने जो टोटल 7.5 इंच लिया था तो नीचे से 3 इंच पर हम इस तरह से लेकर इसकी गुलाई लगा देते हैं और यहाँ पर आगे से भी हमें इस पर गुलाई लगानी है और इसकी अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें ऊपर की साइड से बिल्कुल कट नहीं करना है, थोड़ा जुड़ा हुआ रहेगा ये। और अब यहाँ पर अंदर की साइड से इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच में इसको छोड़ रही हूँ ताकि हम इसको आसानी से कपड़े पर अटैच कर सकें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने जो लाइनिंग थी उसको यूज़ नहीं किया था, लाइनिंग की जगह मैंने एक दूसरा वाइट फैब्रिक यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं और जो हमारी बुकरम है इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो बिल्कुल किनारी किनारी पर ही हम सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ जाएगी तो हमारा जो फैब्रिक है वो मुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिलाई लगाने के बाद मैं कट कर लिया है अब इसको, और इसमें छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेते हैं ताकि इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको अब सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में अगर आपको लगता है कि इसमें सलवटें हैं तो आप फिर से इसको आयरन कर सकते हैं। मैंने पहले भी की थी इस पर आयरन फैब्रिक पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हमारी बुकरम है उसको थोड़ा जो गले का कटिंग है उस पर मैंने हल्के से निशान लगा लिए हैं ताकि हमको सिलाई में परेशानी ना आए। और अब हम यहाँ पर फैब्रिक और यहाँ पर नेक जो गला है इसके बीच के सेंटर को हम यहाँ पर इस तरह से सिल लेते हैं। और इसी से देखिए जो हमने अभी जो निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये निशान इसीलिए लगाए थे ताकि हमें जो बुकरम की हमने कटिंग की हुई है वो हमारी बिल्कुल उसी निशान पर हमारी सिलाई आए। और इसी तरह से हम दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। और अब इस जो अंदर वाला फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देते हैं और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह से अब हम इसको सीधा करते हैं। और ये देखिए हमारा जो नेक है वो इस तरह से आया है कॉलर। और यहाँ पर भी हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे ताकि ये अंदर की तरफ मुड़े ना या ऊपर की तरफ ना उठे ज़्यादा। तो कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, कोई सलवट ना पड़े इसमें। और ये सिलाई हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह से हमारा ये पीटर पैन नेक डिज़ाइन रेडी हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।